ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇਖੇ ਗਏ BSF ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ड्रोन साजिश लगातार जारी है पाकिस्तान वाले पास इस तों पहलां भी इस तरह दी खबरां सुर्खियां बढ़िया ने जदों ड्रोना दे इस्तेमाल दे जरिए पाकिस्तान दे वल्लों चाहे असला चाहे गोला बारूद या फिर नशियां दी सप्लाई करन दी फिराक हमेशा रही है लेकिन BSF दे साढ़े जवान जो उत्थे डटे हुए ने कोई भी नापाक हरकत नूं कामयाब नहीं होण दे रहे ने एक बार फिर तो खबर आई है BSF दे वल्लों एक बार फिर तो वड्डी कामयाबी हासिल कीती गई है गुरदासपुर दे विच कौमांतरी सरहद दे नेड़े एक बार फिर तो ड्रोन जो देखे गए ने परमवीर ऋषि साढ़े नाल जुड़ चुके ने परमवीर इस तरह दीयां घटनावां जो ने लगातार सामने आ रही ने पिछले कई दिनों तो लेकिन BSF दी मुस्तैदी दे करके हर एक नापाक हरकत नाकामयाब हो रही है परमवीर परमवीर दे नाल दोबारा तो संपर्क करने की कोशिश करांगे एक बार फिर तो दस दईए कि ड्रोन साजिश लगातार जारी है ड्रोन साजिश दे राही नापाक साजिश एक बार फिर तो बेनकाब हुई है गुरदासपुर के कौमांतरी सरहद के नेड़े ड्रोन देखे गए ने BSF ने ड्रोन से फायरिंग कर उसनों वापस भेजा किसी फिराक के हो सकते हैं असं दस दिए कि पिछले दिनों भी वड्डी मात्रा के असला ते बारूद जो है उस वेले बरामद किया गया और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया परमवीर आवाज आ रही है जी बिल्कुल परमवीर कदों की यह घटना कदों ड्रोन देखे गए और वापस भेजा गया इस वेले किस तरह की कार्रवाई हो रही है सर्च ऑपरेशन चल रहा है जी बिल्कुल ये रात की घटना है चंदू गडा और जरा रोसा पोस्ट ने उन्होंने लागे दो बार ड्रोन जरा देखा गया पहली बारी एक मिनट और दूसरा जरा करीब डेढ़ मिनट ड्रोन देखा गया और दोनों बारी ड्रोन जरा BSF ने जो फायरिंग की वापस चला गया एक बार जी सर्च ऑपरेशन जरा BSF वालों चलाया गया थी, वो पूरा हो चुका है और हूं दोबारा पंजाब पुलिस और BSF दोवों का जरा कॉम्बो ऑपरेशन जरा चलेगा क्योंकि पिछले दिनों में जो ड्रोन देखा गया था तो दौरान 11 हैंड ग्रेनेड और उस तो बाद अगले दिन एक 60 राइफल से मैगजीन समेत कारतूस मिले थे हूँ उसे लैके जड़े ने अज जरा पंजाब पुलिस और BSF का सर्च ऑपरेशन जरा थोड़ी देर बाद शुरू हो जा रहा है ठीक है इस परमवीर भी जानकारी दियो क्योंकि इस तो पहला भी इस तरह की ड्रोन साजिश नू अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान वाले पास रही है लेकिन आस पास के लोगों के अंदर बेहद सतर्कता देखी गई है जिस सरहद के आस पास जो पिंड के लोग ने या फिर इलाकों के लोग ने और इस बार जो पिछले कई दिनों तो इस तरह की घटनावां सामने आ रही ने किस तरह का माहौल है लोगों के अंदर जी बिल्कुल लोगों के थोड़ा जहा दहशत जी जरूर पाई जा रही है लेकिन लोग जड़े ने पूरे इस मसले के जड़े ने पुलिस का और BSF का साथ दे रहे हैं क्योंकि जो लोगों पता लगता है क्योंकि कई लोग अपने खेतों के जड़े तड़के भी जाते हैं तो वो पूरा कोऑपरेट करते हैं पुलिस को भी इतलाह देंगे और BSF भी इतलाह देते हैं हालांकि BSF के जवान जड़े पहला तो मुस्तैद होंगे लेकिन लोग जड़े ने वो थोड़े जे खौफजदा जरूर ने क्योंकि जो ड्रोन किसी तरीके का कोई समान सुटता है तो वो समान किसी के घर में भी डिग सकता है और जिस तरह हूँ हैंड ग्रनेड पिछले दिनों के सुटे गए 11 अगर उन्होंने वो किसी घर में डिग पेंदे या किसी दुकान से डिग पेंदे वो फट जाते तो कोई बड़ा नुकसान जोड़ा हों खतरा रहता है तो इसे लैके जोड़े लोग ने वो हूँ थोड़े जे डर के माहौल के जोड़ा ने वो अपना जीवन बतीत कर रहे बहुत बहुत शुक्रिया परमवीर फिलहाल कुछ ही समय बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाएगा किस तरह की कार्रवाई अमल के लिए लिया जाता है इसकी जानकारी थोड़े को लवेंगे फिलहाल तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ड्रोन इनफिल्ट्रेशन की जो नापाक साजिश एक बार फिर तो बेनकाब हुई है गुरदासपुर सरहद के नेड़े एक 47 से जिंदा कारतूस जो बरामद हुए ने इस तो पहला बीते दिनों के 11 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए सन सवाल यह खड़ा हो जाता है कि पाकिस्तान किसानी अंदोलन का फायदा चुक के अपने मकसद को पूरा करना चाहता है कि मुड़ तो दिल दहला देने वाली कोई साजिश जिसनों अंजाम देने की फिराक दे हो सकता है पाकिस्तान देखो पाकिस्तान की साजिश से साड़ी खास रिपोर्ट गुरुआ पीरां दी धरती पंजाब जिथों दा किसान गुआंढी सूबियां दे किसानां नाल दिल्ली धरने ते बैठा है कि कदों सरकार तीन खेती कानून वापस लवे पर गुरदासपुर जिले की अंतरराष्ट्रीय सरहद तो एक वड्डी साजिश बेनकाब हुई है जो पाकिस्तान की दसी जा रही है पंजाब पुलिस वालों सरहद नेड़े ड्रोन नाल खेतां विच सुट्टे गए हथियार बरामद किए ने
जिस विच AK-47 30 जिंदा कारतूस एक मैगजीन बरामद की गई है। इस तो पहला पिंड सलाथ विच खेतां चो 11 ग्रेनेड बरामद हुई सी। दरअसल कुछ दिन पहला गुरदासपुर बॉर्डर से एक ड्रोन नजर आया सी, जिस तो बाद पंजाब पुलिस के DGP दिनकर गुप्ता ने कहा सी कि गुरदासपुर पुलिस ने इलाके दे विच तलाशी अभियान शुरू कर दिता है, जिथों एक ड्रोन दिखाई दिता सी। उन्हें कहा कि अजिहा लगता है कि राइफल वाला एक पैकेट गुरदासपुर विच डोरा गला थाना खेतर दे सलाज पिंड तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर कणक के खेतों में सुटिया गया है। हथियारों की बरामदगी कई सवाल खड़े कर रही है कि पाकिस्तान पंजाब दे विच कोई वड्डी साजिश नूं अंजाम देना चाहता है, क्योंकि पंजाब दे DGP कोई पहली बार इसका खुलासा नहीं कर चुके, बल्कि पहला भी अपने प्रेस नोट्स दे विच ड्रोन थ्योरी नूं स्थापित कर चुके ने। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। ते NIA नूं मिली वड्डी कामयाबी, दिल्ली एयरपोर्ट ते खालिस्तानी दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। इस दी जानकारी देंगे राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं। राष्ट्रपति के पास गए हैं बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेकर, नीचे करो भाई, हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। और मैं एडवांस में चीज बोल देता हूं, मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है, उस समय किसी ने नहीं बात सुनी। और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ BJP को नहीं, सिर्फ RSS को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। राहुल जी, बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान बेटे हैं ये नक्सल हैं, खालिस्तानी हैं, विपक्ष इन्हें बरगला रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2-3-4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे, एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं, ये रियलिटी है। लुक, द पॉइंट इज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पीपल लिव ऑफ आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। These are laborers, they are farmers, they are small traders, these are these people. And they are the backbone of the country. Now, we understand that agriculture has to be reformed. What we are saying is that if you destroy this system, these millions of people will have nothing to do. They will not be able to feed themselves. And you will create massive destruction, massive pain in the country. Why is the Prime Minister doing this? It is a very simple calculation. The Prime Minister is doing this because he wants to help 2 or 3 business people. He does not care what happens to these people.
he will construct whatever narrative he has to construct to make sure that the wealth transfer that is taking place to three or four people continues. He will call people terrorists, he will call people anti-nationals, he will call people criminals, he will do whatever he has to do to transfer the wealth from these people, the backbone of this country, to those people, three or four of them. कांग्रेस से वालों लगातार जो है मोर्चा खोलिया जा रहे, रोज मार्च का भी सिलसिला शुरू हो चुका है और इस वेले राहुल गांधी जो संबोधन कर रहे थे किसानों के हक के कांग्रेस दे वालों आवाज बुलंद की जा रही थी और देश केंद्र सरकार से निशाने साधे जा रहे हैं। तो उन्हें गल कर रहे थे एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी दी, दिल्ली एयरपोर्ट से खालिस्तानी दहशतगर्द जो गिरफ्तार हुए इसकी जानकारी देंगे। खालिस्तानी दहशतगर्द जिसका नाम दसया जा रहा है गुरजीत सिंह निचर, उसको गिरफ्तार किया गया है। साइप्रस लुकिया हुआ सी, काफी लंबे समय तो फरार चल रहा सी गुरजीत, फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। साइप्रस लुकिया हुआ सी, काफी लंबे समय तो फरार चल रहा सी, एनआईए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। हम तीन तस्वीर से अपने दर्शकों को दिखावे, फिरोजपुर की कानून व्यवस्था सवालों के खेड़े के खड़िया कर दी हुई तीन तस्वीर देखो। एक तस्वीर है, ये सब दिसंबर महीने दिया ने, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, एक एक करके तफसील दे नाल जानकारी देंगे। लगातार बीते तीन चार दिन तो जो फायरिंग दी वारदात सामने आ रही है, पहली तस्वीर 21 दिसंबर की है, कुछ अनपछाते लोगों के वालों कार सवार से फायरिंग की गई जिस एक नौजवान गंभीर तौर पर जख्मी होया। दूजी तस्वीर 23 दिसंबर की है जिथे मालावाला रोड तो पनबस के ड्राइवर से एक नौजवान के वालों फायरिंग की गई, गनीमत रही कि ड्राइवर को कोई नुकसान नहीं होया। तीजी तस्वीर जो आज सामने आई है जिथे एक और वारदात सामने आई है और महिला गंभीर तौर से जख्मी हुई है और जख्मी इस औरत को फरीदकोट मेडिकल अस्पताल रैफर कर दिया गया। तीन तस्वीर जिले की कानून व्यवस्था निशाने लेंदिया हुई हैं।